गाइस तो यहाँ पे हम गेम में आ चुके हैं और यहाँ पे सभी को फ्री में मिल रहे हैं हीरोज। ओके 450 गोल्ड के साथ हीरोज यहाँ पे सभी को फ्री में दिए गए हैं। कहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हीरो हमको फ्री में अनलॉक हो गए हैं और आपको यहाँ पे हीरो आपको फ्री में अनलॉक करके दिखाते हैं। जैसे व्हाट्सअप मैंने पहले ही अनलॉक कर दिया था, अभी इसके आप मेरे पास ब्लू प्रिंट देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 3500 हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ की है यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसको रिसर्च करना है तो यहाँ पे हम रिसर्च करके मॉल को अनलॉक कर देते हैं। और प्लस मॉल के लेवल 2 क्लासिक इन्होंने दिया है, ये चीज़ बढ़िया किया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ बढ़िया है, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि इन्होंने थोड़ा बहुत तो गेम के लिए सोचा, यानी फ्री प्लेयर के लिए थोड़ा सोचा। और प्लस इन्होंने बहुत बढ़िया किया है, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं आपको, विन 4x1x1 बैटल, यानी यहाँ पे 4x PvP विन करना है और मेरे को 500 टोकन के साथ 20 रेयर वाले हीरो कार्ड मिल जाएंगे। तो ये भी इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ की है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। गाइस ये यहाँ पे फ्री प्लेयरों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए गियर गेम का जो भी वर्क है वो अप्रिशिएट करता हूँ मैं। बहुत अच्छा काम किया इस बार इन्होंने, जो इन्हें करना चाहिए था वो थोड़ा किया, ऐसा नहीं कह रहे पूरा किया लेकिन थोड़ा किया है। बाकी का देखो, बाकी के हीरो अपग्रेड करने के तो पैसे लगेंगे और जिन्होंने पैसे में खरीद रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास हीरो सारे अवेलेबल है और मॉल को यहाँ पे हम क्लासिकली अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले 3 अपग्रेड कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मॉल को अपग्रेड करने के लिए 10 अपग्रेड कंप्लीट करने, तो मैं आपको फटाक से 10 अपग्रेड कंप्लीट करके इसका लेवल 2 करके दिखा देता हूँ। क्या बोलते हो गाइस, लेवल 2 तो करके दिखा ही देते आपको। यहाँ पे मॉल का लेवल 2 आपको यहाँ पे करके दिखा दे, फटाक से 10 अपग्रेड करने हैं तो फटाक से 10 अपग्रेड हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा दें। कोशिश कर रहा हूँ 10 अपग्रेड यहाँ पे हो जाए, है ना, 10 अपग्रेड ही चाहिए तो 10 अपग्रेड हम यहाँ पे कर देंगे। कोई एक दिन का यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं है, ओके ये 2 दिन का इसको कर लेते हैं, ये सही रहेगा, 1 दिन और 2 दिन। यहाँ पे हमने टोटल 3 अपग्रेड कर लिए हैं, ओके तो अब छोटे वाले अपग्रेड करते हैं, है ना, हमको 3 दिन का हो गया है यहाँ पे, ये 4 दिन का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ओके, और ये हमारा 5 दिन का अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ओके 5 अपग्रेड हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा लिए और ये 6th अपग्रेड भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। टोटल 10 अपग्रेड करने थे तो हमने 6 अपग्रेड यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, 1/7 भी कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं मॉल को लेवल 2 करके, तो हमने यहाँ 7 अपग्रेड और ये 8th अपग्रेड इंक्रीज वाला कर लेते हैं, ओके टोटल हमने 8 अपग्रेड कर दिए। अभी हमको 2 अपग्रेड और करने हैं, तो यहाँ पे आर्मर वाला सही रहेगा 8 और ये हमारा यहाँ पे 9 अपग्रेड हमने यहाँ पे डन कर दिए, ओके 9 अपग्रेड हमने डन कर दिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 9 अपग्रेड दिखा रहे हैं कंप्लीट यहाँ पे राइट साइड में, तो अभी हम 10th अपग्रेड भी कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा वाला करें, डिजलिंग डैमेज नहीं है हमारा, टाइम टू वर्क मोड ये कौन सा है, रिपेयर स्पीड वाला है और इंक्रीज रिपेयर स्पीड वगैरह वगैरह है, तो यहाँ पे कौन सा वाला बढ़िया रहेगा, चलो HP वाला ही कर देते हैं। तो ये भी 2 दिन 6 घंटे का है, काफ़ी बड़ा अपग्रेड था, ओके और यहाँ पे 70 गोल्ड मार देते हैं ज़्यादा नहीं था, ओके तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमने टोटल 10 अपग्रेड यहाँ पे कंप्लीट कर दी। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे 10 अपग्रेड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे अभी हम इसको क्लास 2 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हो 10 अपग्रेड के बाद सारे के सारे लॉक हो गए, तो अभी हमको यहाँ पे क्लास 2 अपग्रेड करना है और क्लास 2 के लिए हमें 84,000 ग्रीन कैश चाहिए जो हमारे पास है और हमने इसको कर दिया अपग्रेड क्लास 2 में, ठीक है गाइस। अभी हमको इसको क्लास 3 अपग्रेड करना है, उसके लिए हमको फिर से कोई भी 10 अपग्रेड कंप्लीट करने हैं और इसके साथ ये टोरेंट्स की अबिलिटी शेल्टर वगैरह ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 1,30,000 चाहिए और इतने पैसे हमारे पास है नहीं फिलहाल के लिए, बट हम यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। देखा जाए तो कौन सा अपग्रेड करें, 33,000 काफ़ी कम ग्रीन कैसे मतलब ये वाला हम अपग्रेड लगा के छोड़ देते। तो ये आपका इस तरह से तो काम करेगा आपका मॉल का अपग्रेड सिस्टम, जैसा कि आपको पता है
अगर नहीं पता तो आपको मेरे वीडियो से पूरा समझ में आ जाएगा। फिर व्हाट्सएप का सेम सिस्टम है, 10 अपग्रेड के बाद में इसका क्लासिक अपग्रेड हो जाएगा। और आपको पता है रेजिडेंट्स के लिए सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम ये दो ही अपग्रेड करेंगे। व्हाट्सएप को हम ज़्यादा अपग्रेड ही नहीं करेंगे, हम इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हमारी दो यूनिट रहेगी काम पे, इस पे और इस पे, अब से हीरो पे ही काम चलेगा अपन, ठीक है। प्राइवेट सेट की बात करें, यहाँ पे सब कुछ सही है, यहाँ पे बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास 80,000, यहाँ पे हमको एक दिन का मिल रहा है और 500 टोकन सही है, तो टोटल 7 डे का रिवॉर्ड सिस्टम है, तो 7 डे में हमको काफ़ी ज़्यादा लगभग 4 लाख के आसपास ग्रीन कैश मिल जाएगा और 2,000 के आसपास टोकन मिल जाएगा, तो ये काफ़ी सही है। न्यू ईयर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी देते हैं बढ़िया चीज़ की है, और कुछ खास देखने को है नहीं इसमें। बढ़िया बात ये है कि ये हमको फ्री में मिल गए, जो हमारी लंबी समय से डिमांड थी कि हमको फ्री में प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मूल के हमारे पास अच्छे खासे पहले से टोकन थे, तो हमको ठीक ठाक टोकन और मिल गए, यानी उन्होंने 300 दिए थे लगभग, और साथ में मूल अनलॉक किया था, हमारे पास 300 से ज़्यादा थे, तो हमने यहाँ पे मूल का सेकंड क्लास कर दिया। अभी इसका थर्ड क्लास करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी यूनिट का अपग्रेड बढ़ा दिया जैसे कि आपको पता है, और यहाँ पे बढ़िया चीज़ है ये ऑफ़र, कैसे ऑफ़र का बेनिफिट उठाओ। आपका इस वाले वीडियो में आपको बहुत सारे तरीके बताऊँगा कि मैंने पिछले 10 दिनों में इस अकाउंट में 30 लाख ग्रीन कैश करके सब कुछ मैक्स आउट किया है। आप देख सकते हो प्रोपोवाइन अपग्रेड के बाद मैक्स है, जगवार भी अपग्रेड के बाद मैक्स है, और यहाँ पे राइफल मैन भी काफ़ी ज़्यादा तक अपग्रेड के बाद मैक्स है। यहाँ पे 3.5 लाख के आसपास ग्रीन क्रेडिट लग रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, फिर भी हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रखा है मोस्टली फुल्ली। और यहाँ पे जगवार प्रोपोवाइन की बात करें, फिर बात करें हवा की, हवा का यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5 लाख क्रेडिट था, और यहाँ पे ये मिसाइल का सिस्टम था वो भी हमने ये सारे कंप्लीट किया है बस पिछले 10 दिनों में जो ऑफर चल रहा था। तो ऑफर की खास बात क्या है, यहाँ पे आप टूर्नामेंट में देख सकते हो 2x ऑफर रिवॉर्ड के साथ हमने यहाँ पे टूर्नामेंट कंप्लीट कर दिया, टॉप 1 पे रह सकते थे। बस एक ही गलती थी, जो मैन स्ट्रॉन्ग क्लान है वियतनाम HD वाले, उसके प्लेयर हमको 3 बार मिल गए, उन्हीं से हमने डिफीट किया, और उनके प्लेयरों को हमने 5 से 6 बार हराया भी है। ऐसा नहीं है हराया नहीं, मगर आपका जो टॉप क्लान है उसमें अगर आप ज्वाइन कर लो ना, तो फिर आपको उस क्लान के बंदे मिलेंगे ही नहीं, तो आपके लिए बढ़िया बेनिफिट होगा। यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दी, मगर नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम कतई जहर काम कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो PVP रिवॉर्ड इंक्रेज हो गए, ये बढ़िया बात है, हमको 4 PVP खेलने। यहाँ पे AI रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, देखो टूर्नामेंट में आपको 4 या 5 कंटेनर मिलेंगे, पर कंटेनर आपको 7 से 8 हज़ार ग्रीन क्रेडिट दे रहा है, तो उसको जरूर कलेक्ट करें, और सेम आपके AI में मिलेगा, तो ये जो कंटेनर है ये आपको फ़ायदा करेगा। आई होप आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून गाइस। पर यहाँ पे एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग अनलॉक हो गई क्या हमारी हीरो फैक्ट्री? ओके, वो अनलॉक है, अनअवेलेबल है, सके रिसर्च मांग रहा है, ये कौन सी रिसर्च मांग रहा है? ओके, यहाँ पे गाइस रिसर्च मांग रहे हैं, चलो इसको एक बार क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे पास 10,000 नहीं है, चलो ये आपको बाद में दिखाएंगे। देखो रिसर्च फैक्ट्री भी लेवल 2 के लिए, यहाँ पे मॉल की ट्रेनिंग के लिए हमको 10,000 कुछ कोस्ट है, प्लस 2 दिन का टाइम है, फिर हमारा तीसरा हीरो अनलॉक होगा, उसका प्रोसेस का टाइम कुछ अलग है, और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।